वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री हर कृष्ण दिहाइए, जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु नानक पातशाह की आठवीं जोत, बाला प्रीतम नूरे इलाही। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का आज आगमन गुरुपुरु है। उनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में सिख जगत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जब गुरु पातशाह 5 वर्ष की अवस्था में इस पावन पद को संभालते हैं, ये दुनिया में एक विलक्षण उदाहरण है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में भगत तो बहुत हुए हैं, लेकिन गुरुता पद को संभालना ये केवल और केवल गुरु हरकृष्ण साहिब जी के ही जिम्मे आया है। जब राजा जय सिंह दिल्ली में अपने बंगले में लेके जाते हैं गुरु साहिब, रास्ते में संगतों को निहाल करते हुए वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ कुछ समय बाद चेचक जैसी महामारी फैली हुई थी। गुरु पातशाह के दीदार करके दर्शन मात्र से रोग मुक्त होते वो रोगी धन्य धन्य हो जाते गुरु पातशाह के दीदार करके, और समा ऐसा बना कि गुरु साहिब स्वयं इस रोग से ग्रस्त हो गए। और जब अंतिम समा उनका आया, केवल 8 वर्ष की उनकी अवस्था है, और उस समय बाबा बसे ग्राम बकाले का संकेत करके कि अगले गुरु जो हैं वो बकाला गांव में हैं, ये संकेत करके आप ज्योति ज्योत समा गए। वह बंगला साहिब गुरुद्वारा आज भी लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु वहां आकर रोगों से मुक्ति पाते हैं। आज भी अरदास में इस पावन पंक्ति को स्मृति मंडल में टिकाकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके सब दुख रोग जो हैं वो कट जाते हैं। ऐसे महान गुरु को शत शत नमन, और इसी तरह सेवा भाव जो है सिख जगत में, इसी तरह आज भी हम देखते हैं, जहाँ भी कैसी भी विकट परिस्थितियाँ बने, प्राकृतिक कोई आपदा आती है, तब भी ये सिख भाई वहाँ पहुँच कर सेवा करते हैं, और ये करते रहेंगे। वाहेगुरु सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम गुरु दर्शाए मार्ग पर चल के अपना ये जीवन सफल बना सकें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।